ए, सब लोग अच्छी तरह से सुन लो, सबका सर्वनाश होने वाला है। खुद को बहुत होशियार समझता है। लोक कल्याण के लिए 5 मूर्तियों के बदले मैं खुद ही अपनी आहुति दे दूंगा, जिससे दुष्ट शक्तियों का नाश हो सके, और मुझे ऐसा करना ही होगा। जय विष्णु परमात्मा। बस करो, हमें छोड़ दो कलिंगा, हमें माफ कर दो। मैंने एक आदमी के लिए गलती की है, उसकी सजा पूरे समुदाय को मत दो कलिंगा। मैं जानता हूँ मैंने बुरा काम किया, लेकिन जो भी किया इस नादान उम्र की वजह से किया। मुझे नहीं पता था कलिंगा कि वो आपकी बेटी थी। हमें छोड़ दो। मेरे बारे में तुम सब अच्छी तरह से जानते हो, मैं इसे छोड़ दूंगा, पर सूरज उगने से पहले तुम्हारे समुदाय के सब लोग यहाँ से निकल जाने चाहिए। अगर कोई गलती से भी इस गांव में रह गया तो सुन लो, सारे गांव में आग लगा दूंगा। अमावस्या के दिन पैदा हुए इंसान को कोई नहीं रोक सकता, और मैं तो अमावस्या के दिन ही पैदा हुआ काला कलूटा कलिंगा हूं। वो कोई और होते होंगे जो छिप कर शिकार करे, मैं वो शेर हूं जो शिकार के माद में घुस कर उसका शिकार करता है। क्यों बॉस, लगता है नर बलि देकर आए हो। खून की खुशबू आ रही है। ये लो, पूरे जंगल में कलिंगा की आवाज सुनकर तो शेर भी थर थर कांपने लगते हैं। क्यों तहसीलदार साहब, यहाँ किस लिए आए हो? सुधाकर को जरा सबक सिखाइए, वो मेरी बात नहीं मान रहा है। उस टेंडर को ओपन टेंडर करवाना है, ऐसा डीसी के पास जाकर प्रेशर डाल रहा है। माधव अभी पूजा करने गया है, उसे आ जाने दो, फिर देखते हैं, उसकी कहानी खत्म कर देंगे। ये लो संभालो इसे,
उस वक्त मैं थोड़ा टेंशन में था। तुम टेंडर की कार्यवाही आगे बढ़ाओ, अभी निकलो यहां से। ए मजीद इधर आओ। भूल गया मैंने तुझे कुछ काम बताया था, तू उस काम को करने की जगह मुझसे भागता फिर रहा है। नहीं होगा, वो इतना आसान नहीं है। आरबी की दुकान से मटन लाकर पकाकर खाने जितना आसान नहीं है। नहीं होगा, उसके लिए टाइम चाहिए। जाओ बेवकूफों के पास जाकर धोखा खाओ, जाओ। सलाम भाई। कौन है रे तू? हाँ कौन है तू? क्या रे, सुबह से यहीं बैठा है, क्या देख रहा है? बोल। फजल इरफान, जल्दी आ, मुझे कोई मार रहा है। क्या देख रहे हो? मारो इसे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, मारो इसे।
क्या है? मेरे भाई के जूते को धक्का मार रहा है लोफर। शराब के नशे में पगला गया है तू, चुपचाप घर जाके सो जा। मुझे देख के बोलता है दादागिरी करता हूँ, मेरे भाई मंजा घोड़ा की हरकतें देखेगा तो क्या बोलेगा तू? हाथ कहीं भी चले जाते हैं। हेलो हेलो, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। आओ पानी पानी, देखो मैंने कुछ नहीं किया। अरे वाह, ये ले हले। पूछता है कि कौन है? ओके सॉरी सॉरी। ए पहले तू अंदर जा, जब बाहर आएगा फिर देखता हूँ मैं कि तू कितना स्टेडी रहता है, समझा? जा किसी गटर में जाके गिर जा, चल जा। अरे कहाँ गया मेरा जूता? ये रहा। ए शराब पी कर तू टाइट होके यहाँ पड़ा है क्या? अरे इधर किधर जा? आजा आजा, अरे पहन ले आजा। अरे अरे हाथ मत, सॉरी। अरे नखरे मत दिखा, आजा मेरे पैरों में आजा। अरे अरे पकड़ो पकड़ो मुझे संभालो। उठो मेरे भाई, उठो। अरे तुम, थैंक यू मेरा भाई। शूज बाहर रख के अंदर क्यों जाते हो तुम? अब बाहर आके लड़कड़ा लड़कड़ा के जूता पहनते हो। मजाक उड़ाते हो, मंदिर जाते समय कोई चप्पल जूता पहन के जाता है क्या? इधर देख, देख नारायण गोविंदा, इनके दर्शन करने आपको मैं कैसे जूता पहनूं? रुको। नागलवाड़ी जाने का कितना लगेगा? 120 लगेगा। कितना? 120। चलो रोको, स्टॉप। क्या बैलेंस है इसकी ड्राइविंग का? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, इसको मेट्रो में काम मिलना चाहिए। ये रहो। चल भाई। हेलो। हाँ क्या हुआ? ये क्या है? 20 रुपीज। हाँ सिर्फ 20 है। तुमने कितना मांगा? 120। लो दे दिया ना। पता है जब भी मैं फूड कोर्ट जाता हूँ तो सिर्फ एक ही 20 देता हूँ, समझ गए क्या? इंजॉय। ए अंकल, ये बहुत अच्छा बनाता है मालूम? मैं डोसे की बात कर रहा था, आपने क्या सोच लिया? दो बड़ा दो डोसा टेबल पे भेज दीजिएगा। भाई तुम हमारे गांव के कुल देव हो। ऐसा क्या? आपने अपना गांव छोड़ दिया है, बीवी बच्चों को सड़क पे रखा है और मुझे काम दिलवाया ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। इतने सारे पैसे दिलवाए, आपको कमीशन दे रहा हूँ, मेरे लिए इतना ही ठीक है। जानते हो इस तरह से मैं समाज की सेवा करता हूँ। जानते हो जितने लोग गांव से काम मांगने के लिए आते हैं ना, तो मैं उन्हें काम दिलवाता हूँ। I expect only 10% from their salary। हाँ अगर उनकी थोड़ी श्रद्धा हो तो छोटा सा पार्टी, एक क्वार्टर, वाइन्स, चिकन कबाब खिलाते हैं। ढंग से डालना तू। मैं चटनी की बात कर रहा था, आपने क्या सोचा? चलो मैंने खा लिया, मैं दूसरों के पैसों का लालच नहीं रखता। अरे 200 रुपए दो, बस बिल देना पड़ता है ना। ये लीजिए बहन जी बिल। सुनो भाई, तुम जाओ अपने घर, मेरे पास बाइक है। यस, गुड नाइट भाई, सुबह मिलेंगे। अंकल मस्त बनाता है। ए चुपचाप यहाँ से निकल, कहाँ से आ जाते हैं? ये कौन है भाई? वीरप्पन का भतीजा लग रहा है। ए, तुझे क्या चाहिए गुरु? 10% मैं भी दूंगा, मुझे भी काम दिलवाओ ना। 20% लगेगा। ये तेरा नकली है क्या? ओरिजिनल है। ये देखा अंदर क्या छुपा रखा है? लो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तेरा जो हुलिया है ना, उसे देखकर 20% क्या फुल पेमेंट देगा तो भी कोई तुझे काम नहीं देगा, और मैं भी तुझे काम नहीं दिला सकता। बाइक चलाना आता है क्या? हाँ चला सकता हूँ। तो फिर ये लो चाबी, चलो मेरे बाइक के पास चले। अरे रे वहाँ पे कट करो फोन, कट करो। शानदार बोला है मेरा। ऐसा कैसा रिंगटोन है? तुम्हारा नाम क्या? कार्बन। कार्बन कोई नाम रखता है क्या?
आजकल लोग कैसे कैसे नाम रखते हैं। अरे अरे ये नहीं चाहिए। क्यों गुरु, कोट ले रहे हो क्या? अरे भाई तुझे बूट सूट दिलवा कर एक कंपनी में डीसी का पोस्ट खाली है, वहीं तुझे ले जाने वाला हूँ। ठीक है चलो भाई। ए, तेरी तो रुको मैं कपड़ा सेलेक्ट कर लूँ। मैंने तो ले लिया। कब लिया? अभी अभी। अरे ये क्या क्या क्या, नहीं मैंने नहीं लिया, इसे लिया इसने। चल निकाल इसे, निकाल अपने एनी हेल्प गुरु। यू सी मिस्टर, इस मैच हो रहा है ना? हाँ। वेरी नाइस है, इसे पैक कर दीजिए। हाँ ओके सर। चल तू। हाय गाइस, दिस इज माय बॉय। अच्छा बॉस, ये ऊपर भी काटेंगे या नीचे भी काटेंगे? डबल मीनिंग, मुझसे डबल मीनिंग में बात मत करना। मैं जिंदगी में कभी डबल मीनिंग बात नहीं करता, इसीलिए दोस्त लोग मेरी इज्जत करते हैं, समझे? अरे वो नहीं बॉस, नीचे भी एक दुकान है ना, तो वहाँ करेंगे या यहाँ पर करेंगे कटिंग, ये पूछ रहा हूँ। आपने क्या सोच लिया? ये कटिंग और शेविंग करवाओ, उसके बाद मैंने जो सोचा है वो बताऊंगा। चलो सुनो, ये जो डिजाइन है ना, ये डिजाइन बहुत अच्छा है, इसी को करना है। हाँ सर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर दूंगा, तब तक आप चाय पीकर आ जाइए। अरे कहाँ गया मेरा लड़का? कहाँ गया? यही तो है आपका लड़का। हेलो, ये क्या भाई? अरे रे 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 रे। ये तो एकदम रेमंड का मॉडल लग रहा है, मॉडल एकदम सुपर सुपर लग रहे हो। बात करने वाला बात करता है, सुनने वाला सुनता है, और देखने वाला देखता है। क्या मामू मुसाफिर, क्या बात है? क्या बात है मंजा गौड़ा, इतने दिनों के बाद आए, अब तक कहाँ थे तुम? ये क्या राशन का दुकान है जो रोज आता फिरूं? ये मेरा लड़का है, इसे कल गारमेंट कंपनी में लगाना है, चलो इसका डिग्री तैयार करो। जब कर ही रहे हो तो डिग्री क्या, सीधे मास्टर डिग्री दे दो। प्रिंट तो सारी एक ही है ना। कर दो भाई। इधर तो कितनी बार काम, मुझे ये म्यूजिक पसंद नहीं, समझता नहीं है, पकड़ो इसे, चलो। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। सब ठीक है ना? एकदम ठीक है। ये गांव से भाग कर आया था, काम ढूंढ रहा था, मेरे हाथ लगा, मैंने काम दिलवा दिया, अब ये राजा की तरह अपनी जिंदगी जीता है। सर आप राजा की जिंदगी जी रहे हो क्या? हेलो, ये राजा है, तुझे भी राजा बनना है क्या? चल। नमस्ते मैडम। नमस्ते। इस लड़के को चेकर सेक्शन या काजा बटन सेक्शन का अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। ठीक है सर। दो तो मेरा इज्जत रखने का। ये कार्बन का बच्चा कहाँ चला गया, काम छोड़कर भाग गया क्या? अरे अरे उसके लिए मैंने कितना खर्च कर दिया। ब्रेक। हाँ। ये क्या रे, एक ही दिन में सैलरी सेक्शन में आ गया। ए कार्बन चल बाहर चल। तेरे को आए हुए एक दिन नहीं हुए और तू सैलरी सेक्शन में आ गया। ए पगार एक महीने बाद मिलेगा, समझा? चल। एमकॉम की मार्कशीट दी है ना, अकाउंट डिपार्टमेंट में नौकरी खाली थी तो वो मुझे दे दी। ये क्या, अगले महीने पगार लेने के लिए मुझे तेरे आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? अरे गुरु जब पगार लेनी है तो खड़ा रहना ही पड़ेगा। वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। हम लोग कहाँ जा रहे हैं जानता है ना तू? चाय की दुकान में। चाय की दुकान सड़क के किनारे होती है, वो समझ रहे हो क्या? हुक्का बार। बार नहीं, बार का मतलब वो पीने वाला बार नहीं, फूकने वाला।
क्यों बेटा, यहाँ बैठे बैठे देखते रहोगे या फिर आईडी कार्ड लोगों का देखकर 30 अप्लाई करते रहोगे? बॉस वो लड़की देखो ना कितनी सुंदर है। लड़की कहाँ है? हमारे इस शहर में आजकल प्यार बहुत ही बढ़ रहा है। चलो बॉस आ जाओ, आप मुझे बहुत ही अच्छी जगह पर लाए हो बॉस, मजा आ। इडियट भाई मुझे माफ कर दो। क्यों रे, दिखता नहीं है क्या? क्यों रे, अंधा है क्या तू? कौन से एरिया में रहता है वो? देखिए ये यहां नया है, गलती हो गई, सॉरी माफ कर दो। अनपढ़ गंवार कहीं के। अरे क्या चल रहा है यहां पे भाई? अरे मारेगा मुझे? मारना सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मेरी बात सुन, यहाँ पर खड़े रह के हम पे हुकुम नहीं चलाने का? तुम लोग बाहर से आते हो और यहाँ पर आकर हम पर दादागिरी करते हो क्या? और हम लोग सुन लेंगे ऐसा सोचते हो? इधर आ, इधर आ। भाई भाई नहीं भाई, नहीं भाई, चल इधर आ। भाई तू भी प्यार से रहता हूँ तो इसका मतलब उसे कभी वीकनेस मत समझो। खाओ पियो मजे करो, कौन रोकता है तुमको? लेकिन कुछ तौर तरीके होते हैं जीने के, वो तो समझ लो। अभी आगे से जरा दूसरों को इज्जत देना सीखो। वो बेवकूफ का बच्चा, अरे इस टेंडर को भरने के लायक ही नहीं है। 4 फीट का टेंडर लेकर वो 25 फीट का कुआं खोद देता है। अरे 4-5 पुलिस केस होने से कोई कुछ भी कर सकता है? बिल्कुल नहीं, उसे तो ब्लैकलिस्टेड कर देना चाहिए। पहले तुम लोग अपने बालों को ब्लैक करते हो और उसके बाद पूरे लॉ को ही ब्लैक कर देते हो। टी नरसिंहपुरा तालुका के इस साल मिट्टी काटने का जो टेंडर पास हुआ है वो इनके नाम से पास हुआ है। कुकुरू नालकोड़ी इनका कोटेशन है 500 रुपए पर लॉरी। कलिंगा एंटरप्राइजेस कावेरीपुरा, कलिंगा एंटरप्राइजेस बन्नूरू, कलिंगा एंटरप्राइजेस अतूरू, कलिंगा एंटरप्राइजेस वासेपुरा, कलिंगा एंटरप्राइजेस मल्लीपुरा, कलिंगा एंटरप्राइजेस। बिट इज ओवर मिस्टर कलिंगा, प्लीज साइन हियर। कमीने ने सारे तहसीलदारों को अपनी तरफ मिलाकर जितने भी टेंडर्स निकलते हैं सब के सब वही ले लेता है। पूरे जिले में यही मिट्टी काटने का काम कर रहा है और यहाँ का कोई भी एक अधिकारी इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। क्या इस देश में कोई भी मर्द पैदा नहीं हुआ? अगर मेरे इलाके में रास्ता भटक कर कुछ गली के डॉग्स अधिकारी बनकर आ गए हैं तो उन्हें किस तरह से संभालना है ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। बेसिकली आई एम अ डॉग ट्रेनर। मैंने तुझे कितनी बार समझाया, तू नहीं समझता है। मेरे सामान को हाथ मत लगाना। मेरा पेस्ट, मेरा ब्रश, मेरा साबुन सब इस्तेमाल करते हो। तू है तेरे पे, फिर मैं वो सब कैसे यूज करूंगा? सुनो, मैं तुझे पेस्ट, ब्रश सभी कुछ दिलवा दूंगा और बाद में तेरे पगार से काटूंगा।
12 बजे चाय ब्रेक, वो उसके आने का टाइम है। बिगाड़ रहा है। जब चाय के लिए पूछा था तो तुमने कहा पैसे ही नहीं। वो है। लड़की जो पैसे देकर गई ना, वो मुझे दे दो अंकल जल्दी। ये लो। हाँ। इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? आइए सर। क्यों मंजा गौड़ा जी, हाथी की सवारी करके बहुत थक गए हो क्या? बिना पानी पिए केनिया वाली लड़की के सामने जिम से आए हो, ऐसा बिल्डअप देने वाले हो क्या? ओवर स्मार्ट मत बनो, समझे? इतना पैसा कैसे आया तेरे पास? आपके जेब से आया। चोर कहेंगे। सुबह मैं चेक करना भूल गया था तो तुम मेरे जेब से पैसे निकाल लेगा? तूने इन पैसों को अपने बाप का पैसा समझा क्या? अरे मेरे पगार से काट लेना। अच्छा चलो, ब्रेक टाइम खत्म हो गया, चलो आ जाओ, मैनेजर डांटेंगे। चलिए आप अपने हाथी पर जाइए। कमीने की औलाद, अभी मैं ये साइकिल नहीं चला सकता। चलो जल्दी बैठो, चलते हैं। गांव में कितनी इज्जत के साथ रहता था ये, और आज भीख मांगने की नौबत आ गई है इसकी। थू, यही तेरे लिए सही है। आज मंजा गौड़ा नहीं है, पान खाऊंगा आज जी भर के। एक्सक्यूज मी सर, मैं गिरीश एक्सपोर्ट से आया हूँ। हाँ, आपका चेक रेडी हो गया है। हाँ सर, ये लीजिए। ओके, थैंक यू सर। ओके। 10 रुपए का पत्ता और सुपारी दे दो। अरे सुपारी भी दो ना। आरपी के बारे में कलिंगा को सही रास्ता दिखाने के लिए उसका वकील आर्कोलॉजिस्ट वेंकट स्वामी को लेकर आया है। राइस बुलर, इट इज नॉट ए स्मॉल मैटर, इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। बहुत समय पहले इसे कैलाश पात्र कहते थे,
लेकिन धीरे धीरे इसका नाम आरपी हो गया। इंडिया में ये एक बहुत बड़ा स्कैम बनकर के उभरा। इस मामले को मैं डील करता हूँ, मैं इसके बहुत पीछे पड़ा। तुम ये नोट कर दो बेटी। ओके सर। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। इसे पाने का मेरे दिमाग में एक रास्ता चल रहा है जो शायद काम कर जाए। मेरी समझ में थोड़ी थोड़ी बात आ रही है, बताइए ना सर। ये बात 1500 AD की है। भारत एक समृद्ध राष्ट्र था। उस समय भारत देश में अपार संपत्ति थी। धंधा करने के लिए पुर्तगाल से वास्को डी गामा जल मार्ग से भारत देश में आया। वहीं से इस देश का पतन होना शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों ने इतिहास में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की इस तरह का दावा करते हैं। लेकिन उसके आने के बाद भारत का जो नुकसान हुआ उसके बारे में हम नहीं बताते। वास्को डी गामा के बाद बहुत सारे लोग यहाँ कपड़े का धंधा करने के लिए बाहर से आए, जैसे फ्रेंच, डच और बहुत सारे लोग। मुगलों ने यहाँ आकर लोगों पर अत्याचार किया और यहाँ के मंदिरों को लूट कर ले गए। हिंदुस्तान में ब्रिटिश का राज आने से पहले एडवर्ड विलियम बेल नाम का एक अधिकारी, जो खुद एक आर्कियोलॉजिस्ट था, जो हिंदू मंदिरों के ऊपर शोध और अध्ययन कर रहा था। उस वक्त जब मुगल यहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे और यहाँ के मंदिरों को लूट रहे थे, उस समय एक छोटे से विष्णु मंदिर में रात की पूजा कार्यक्रम में शामिल होने का उसे मौका मिला, जिसमें वो बड़ी तन्मयता के साथ उपस्थित हुआ। वहाँ उसकी मुलाकात एक सिद्धि प्राप्त व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति से मिलने के बाद और उसकी शक्ति को देखकर उसकी तपस्या से प्रभावित हुआ और उसे अपने साथ विष्णु मंदिर ले गया। तपस्वी ने अपने सिद्धि के द्वारा ये आरपी क्या है इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर एडवर्ड ने सिद्ध पुरुष से सारी जानकारी ली और राइस पुलर को लेकर एडवर्ड विलियम बेल लंदन के लिए रवाना हो गया। उसी अपार शक्ति की वजह से इंग्लैंड ने पूरे विश्व में अपनी ताकत दिखाई और अपनी सत्ता का विस्तार, और एक ऐसा राष्ट्र बन गया जहां सूरज कभी नहीं डूबता था। यह सब संभव हुआ इस आरपी की वजह से। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उस आरपी की पावर से एटम बॉम्ब बनाने का इस्तेमाल इंग्लैंड ने किया था। तब से लेकर के अभी तक के इतिहास में इसी तरह के साक्ष्य हैं। आम जनता अब तक इसी को मानती और जानती आई है। और एक बात, विदेशों में इस आरपी की कीमत लाखों और करोड़ों में है। जहां तक मैं जानता हूं कि उस आरपी को पहचान सिर्फ एक महान और सिद्ध पुरुष ही कर सकता है। अब समस्या यह है कि इसके बारे में अध्ययन करने से यह पता चला कि इन घटनाओं से संबंधित कोई एक व्यक्ति जिंदा मिल जाए जिसके पास उस तरह की सिद्धि हो, तो हम लोग उस आरपी का काम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए जरूरी यह है कि हमें पहले ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी, फिर हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। कम ऑन, गो सर्च फॉर हिम। क्या देख रहे हो? खाना खाओ, आराम से खाओ। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से खाओ। इन्हें नहलाने के बाद नए कपड़े पहनने को दो। मैं समझ गया। बहुत ही समझदार हो। ये तो हमेशा इसके पीछे पीछे चिपक रहा है। बस अब बहुत हो गया, इसका कुछ तो करना होगा। इसका फोन नंबर लेना जरूरी है। हाँ बोलो भाई। अच्छा ठीक है, मैं कल आता हूँ। यस। ओह हाय। यू मुतम्मा? Don't call me Mutamma. It irritates me. Call me M. Okay, okay. But anyways, thanks for giving my ID card back. But the way you gave me the ID card was so embarrassing. What's your name? My name? Yes. Carbon. Carbon? What does that mean? C for carbon. Very funny. Yeah. Hey, सिर्फ या नो छोड़कर ये
अंग्रेजी में तो कुछ बोल ही नहीं सकता है। एजुकेशन MBA फ्रॉम सिम्बायोसिस। बाय द वे व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? M.Com. नाइस। व्हिच यूनिवर्सिटी? गौरीपल्लिया यूनिवर्सिटी। व्हाट? माय कॉलेज गौरीपल्लिया एरिया। ओके। वांट फोन नंबर? सॉरी, नॉट माय, योर नंबर। यू वांट माय नंबर? या। गिव मी योर नंबर, आई विल गिव यू अ मिस्ड कॉल। फोन तो है नहीं, तो नंबर किसका देगा? मेरा तो दे सकता है ना। दो। कम ऑन बेबी, टाइम इज अप, लेट्स गो नाउ। बाय, सी यू लेटर। अरे कबाब में हड्डी आ गया। कौन मैं? ए चल तू हट। मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। हेलो, पीछे चलो। ए पीछे जाओ। चुप हो जा। पीछे जाओ। तुझे काम पे मैंने लगाया, इज्जत नहीं करता मेरी? कमीशन देता हूँ ना, इज्जत क्यों दूँ? तेरी तो। अरे इज्जत करो। हेलो कार्बन, कार्बन। हाँ यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा, सब एक के पीछे एक क्यू में आओ। अगर मैंने इन्फ्लुएंस नहीं दिखाया होता तो ये कमीना आज इस वक्त सैलरी नहीं बांट रहा होता। हाँ, एहसान फरामोश कहीं का मुझे क्यू में लगने के लिए बोल रहा है। ठीक है बेटा, मैं मुसाफिर से बोलकर मैं M.Com MSc का सर्टिफिकेट बनवा कर तुझसे आगे रहूंगा। ए, बाद में सोचना, अभी आगे बढ़। इज्जत करो मेरी। चले यार। टी ब्रेक। जानबूझकर कर रहा है, सब जानता हूं। ए, पहले मैं था। तुम्हारा आईडी प्रूफ और दो पासपोर्ट साइज फोटोज और एक चेक लीफ लेकर आना। ए, अपना पगार खुद लेने के लिए मैं आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और चेकबुक लेकर क्यों आऊं? इन सबको भी ऐसे ही लाना पड़ा था क्या? तुम्हें पगार चाहिए या नहीं चाहिए? इस वाउचर पर साइन करो। खर्च करने का पैसा नहीं है, अभी मैं पैसा कहाँ से लाऊं? एक मिनट, आपको अपनी सैलरी में से एक कमीशन देना है ना? अरे अरे तू पागल है क्या? कोई सुन लेगा तो मेरी वाट लगा देगा। चल चल चल। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? तू मुझे कमीशन वहाँ पे क्यों दे रही थी? कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। बहुत प्यारी लड़की है। बाय। कहाँ गया ये? सही में भाग गया? अब क्या होगा? अरे रे, ये क्या, मेरा मान मर्यादा, इन्वेस्टमेंट सब बेकार हो गया। कभी भी पैसा मांगो तो सैलरी आने दो कहता रहता था। धोखेबाज कहीं का मजाक करने चला गया। क्या करूं? अरे मैं नहीं तो इसका मोबाइल तोड़ा था। हेलो हेलो हेलो, मंजा गौड़ा बोल रहा है। ए कार्बन, ये किसका नंबर है? अरे ये मेरा नया नंबर है, इसे सेव कर लेना। मेरा ही कॉल कट कर रहा है। अरे दिखा, कौन सा मोबाइल? ओह ये तो आईफोन है। तेरे पास कहाँ से है? अरे इसकी कीमत कम से कम 50,000 होगी। ए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? बता पैसे कहाँ से आए? ये क्या है सर? आपने चेक पर साइन नहीं किया। ओ मेरा बॉस तो कार में ही है। अच्छा, मैं एक मिनट में साइन करवा के लाता हूँ। ओके। इस मंजा गौड़ा के साइन का फॉर्जरी किया तूने धोखेबाज। सर हर महीने आपके EMI का 10% आपके बॉस के अकाउंट से कट रहा है। मुझे 10% कमीशन देने की बजाय तू मुझसे ही मेरे सैलरी से 10% कट करवा रहा है कमीने। मैं तो तुझे नहीं छोडूंगा धोखेबाज। बॉस मारो मत। बॉस दर्द हो रहा है। बॉस नहीं। ए, अरे तू मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया? तेरी लवर है इसीलिए लेके आया? आप सब जानते हो ना, जाओ अंदर बैठो। ए, अरे हेलो एम,
M. Okay, see you later. M. Yes. My number. Yeah, tell me your number. 7895. 7895. 672. 672. 345. 345. Okay, I'll give you a missed call. Okay, okay. That's my number. Huh, yeah. Save okay. it. Okay, then I'll make a move. Huh. Oh, I'm getting a call. Bye. Okay, bye. Hello? Hey, तू इधर आ मंजा गौड़ा देखते रहो मैं इसे सब सिखाता हूँ लिसन केयरफुली मी कार्बन शी मुत्तम्मा मंजा गौड़ा जी आप यहाँ देखते रहिए अरे तुझे जो करना है वो करना मी मुत्तम्मा कुछ कुछ होता है मी लोकल मुत्तम्मा लोकल यू आउटसाइड कम वर्क खाना गो बस यही करने का मंजा गौड़ा सही कह रहा हूँ ना मैं एग्जैक्टली इन सेंटर वाई यू डिस्टर्ब क्यों मार रहे हो मुझे क्या बोल रहे हैं आप मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तूने जो अंग्रेजी और कचरा मिक्स करके इसको बताया ना इसके समझ में कुछ भी नहीं आया याद रखना नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो नजरें झुका के बात करने का अरे क्या बॉस आपका टेस्ट भी ना अब चलो यहाँ से अरे तुमने नॉटी नॉटी तो सुना होगा ये तो नॉटी भी है ओटी भी है रुक मैं अभी बात करके आता हूँ इससे आज फाइनल करूंगा आज मैं अपने प्यार को परवान चढ़ाऊंगा अरे चलो बॉस टाइम हो रहा है आज कुछ तो खास बात है ड्रेस बदल गई है चाय नहीं है सिगरेट नहीं है लगता है अब ये लड़का उसे सुधारने के पीछे पड़ गया है शाम को ऑफिस से छुट्टी होते ही खास बात क्या है वो पूछनी पड़ेगी Any help? I wanted to go to the temple very badly. Could you please drop me? उपवास है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है भगवान का दर्शन करूंगी फिर शाम का दर्शन करूंगी और फिर कुछ खाऊंगी ओके ओके मैंने तो आपको कुछ अलग ही समझा था लेकिन आप तो बहुत ही अच्छी हो आप ऐसे रोज मंदिर आती हो सबको खुश रखने के लिए उपवास करती हो लेकिन लेकिन ये सिगरेट क्यों पीती हो छोड़ दो ना और ये सिर्फ आप पर ही नहीं आपके शादी के बाद बच्चे के लिए भी ये ठीक नहीं होगा प्रेगनेंसी में बहुत तकलीफ हो सकती है भगवान के लिए सिगरेट छोड़ दो ओ आपकी माँ का फोन है ओ वन सेकंड कहाँ हो तुम मैं मंदिर आई हूँ अरे बाप रे बाप अपने साथ बेंगलुरु में ना जाने कितने लोगों को लाई हो
कानावली, आपको कैसे पता कि मुझे ये रेस्टोरेंट पसंद है? वो क्या है ना, आप फोन पर माँ से बात कर रही थी, तभी मैं समझ गया कि आप हुबली की हैं। यहाँ मेरा फेवरेट खाना मिलता है, बहुत टेस्टी होता है। चलो पहले हाथ धो लो। हाय काका, कैसे हैं? बिल्कुल अच्छा। मिर्ची इतनी आसानी से खा लेती हूँ? मुझे बचपन से ही मिर्ची बहुत पसंद है। अच्छा, ऐसा क्या? अरे आप यहाँ कैसे? हाय। हेलो, नमस्ते। आप ठीक हैं? इस खाना बली की रोटी बहुत अच्छी होती है, चलो खाते हैं। अरे क्या मंजागोड़ा, अभी उस होटल की बासी रोटी भला कौन खाना चाहेगा है? मैं चलता हूँ, अभी बढ़िया, आपको बहुत काम होगा। ओके बाय। आज की रोटी ना कुछ ज्यादा ही मुलायम हो गई है। चोर का बच्चा। कार्बन, थोड़े ही दिनों में मेरा जॉब चेंज होने वाला है। मैंने हाल ही में एक एग्जाम दी है, उसके बाद मैं बड़ी ऑफिसर बन जाऊंगी, फिर मैं तुम्हारे साथ इस तरह खाने नहीं आ सकती। अरे कोई बात नहीं, आपके ऑफिस के सामने किसी कैंटीन में अच्छे से काम पे लग जाऊंगा। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, सी यू टुमारो। यस यस। अब्बा जी। बेटा, मेरी वजह से सारे गांव वाले गांव छोड़कर एक रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। सब पर भीख मांगने की नौबत आ गई है। मैं एक बार माँ से मिलना चाहता हूँ। अरे नहीं 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 बेटा, उस दिन गांव छोड़कर आने की वजह से रोज मन ही मन गुस्सा करती है। अब जब तुम्हें देखेगी तो रोएगी, डांटेगी, और ये सही नहीं होगा ना। अभी उससे मिलना ठीक नहीं होगा, सही वक्त आएगा तो मिला दूंगा। बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है, कितनी दूर है, वो खुश रहे ये तुम नहीं चाहते हो क्या? अरे पिताजी, बस मुझे आप इतना बता दीजिए कि वो खुश रहे, इसलिए मैं क्या करूँ? बताइए पिताजी, मैं क्या कर सकता हूँ? सुनो बेटा, तुम्हें अपनी माँ और मेरे लिए एक काम करना होगा। बेटा तुम एक बार, सिर्फ एक बार हमारे डमरू वाले का भेष बदलो, मैं तुम्हें उस रूप में देखना चाहता हूँ। देखिए पिताजी, ये मुझसे नहीं होने वाला। बेटा अगर तुम ये काम कर दोगे तो कलिंगा हमारी झोली में बहुत पैसे भर देगा, और उन पैसों से तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ और मैं सब सुखी जिंदगी जिएंगे। बेटा मतलब पैसों के लिए हम बार बार वो गलती करें क्या? नहीं, वो कलिंगा सही नहीं है। बेटा मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। आप ये क्यों कर रहे हैं पिताजी? देखो बेटा, तुम मना मत करो, वो कलिंगा चाहे जो भी करे करने दो, हमें तो सुख से रहना चाहिए ना। जरा एक बार फिर से सोच लो बेटा। मैंने एक बार जो गलती की है उसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ, और दूसरी गलती मैं करना नहीं चाहता। इसके अलावा कुछ भी बोलिए करने के लिए। मेरी बीवी को खुशी देने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये काम करना ही होगा। I'm
वो शक्ति आ गया, वो रहस्य वाली शक्ति अब आ गई है, विश्व वेदंगा शक्ति अब आ चुका है। अब सबका समाधान वो करेगा, सारे समाज का भला करने के लिए वो अपने असली रूप में आ गया है। अब तो इस अवतार पुरुष को और भी काम करने हैं। आ गया है वो शक्ति, आ गया है शक्ति, आ गया है वो शक्ति, आ गया है। स्वामी, हमें हमारा आदमी मिल गया। फंटास्टिक, फंटास्टिक जॉब। आई रियली कांट बिलीव दिस। वो डमरू वाला कौन है? कार्बन। कार्बन? बिल्कुल, ये कार्बन नाम उसके गांव का नाम है। तुम उसे अच्छे से जानते हो? मैं कार्बन को भी जानता हूँ और कार्तिक को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। कार्तिक, भाग भाग, जल्दी भाग कार्तिक, जल्दी भाग।
ए गुल्ली, अरे वो सोनी को तो जल्दी आने के लिए बोल देना यार। ए कार्बन, हमें इस दुनिया में जीना है तो फिर हमें किस रेंज में रहना चाहिए यार? तू तो सोनी के बाप जैसा बात कर रहा है यार, इसे कभी कम मत समझना, भगवान का प्रसाद है ये। खाने को नहीं मिला तो अपने पिता मुर्गन की तरह शांत रहा करो। चाहिए खेल खेल रहा है। कार्तिक, तूने उन लोगों को अच्छा सबक सिखाया। आराम से बच्चों, सबको मिलेगा। सबको दूंगा। ये लो। हाँ। रुको यहाँ पे रुको। ये डमरू बजाकर सिद्धि प्राप्त कर लेगा मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन शायद मेरी चाहत पूरी नहीं होगी। इसके जैसा और कोई गांव में है भी नहीं जो हम सबकी मनोकामना पूरी कर सके। ये तो कुछ और ही कर रहा है, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हमारे समाज में डमरू बजाने वाले तो सिर्फ आप ही बचे हैं। ए शंकरी, सब लोग आकर राशन तो ले रहे थे, तो तुम और तुम्हारे पति को आकर राशन लेने में भला क्या तकलीफ हो रही थी? बहुत बड़ा हो गया है तू, मुझे मेरे नाम से बुला रहा है, शंकरी। इतनी हिम्मत आ गई है? मेरी वजह से आज तू यहाँ है। तेरे माँ बाप तो मर गए। जिस दिन उनका कार का एक्सीडेंट हुआ था, तू वहाँ पर कीचड़ में पड़ा हुआ था, मैं तुझे वहाँ से उठा के लाई। इतनी मेहनत करके पाल पोस के इतना बड़ा किया और आज मुझे शंकरी बुला रहा है। बहुत हो गया, उसे डांटने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपना काम करो। खा ले बेटा, खा ले। ए बेटा, अगले हफ्ते शिवरात्रि है, माधोपुर में पालकी निकलेगी। सेवा करने के लिए सारे गांव वाले तैयार हो गए हैं ना? अरे सब तैयार है पिताजी, हम एकदम कमाल कर देंगे। हाँ, पालकी यात्रा में नंजप्पा ने कार्तिक का अपमान किया, इसीलिए कार्तिक ने नाराज होकर ये फैसला किया कि राजा नरसप्पा उस पर रहम करे और अपनी सिद्धि पाने के लिए उसे नंजप्पा की नर बलि देनी होगी। दे रहे हो क्या? तुम मेरी शक्ति पाना चाहते हो क्या? परमात्मा के बताए हुए नियमों से ही मैं चल रहा हूँ। आपको पसंद आया इसलिए मैं इसकी बलि दे रहा हूँ। Thank you.
आ गया वो शक्ति, आ गया वो रहस्य वाली शक्ति, अब आ गई है विश्व वेदंगा शक्ति। आपके बताए अनुसार कल अमावस्या है। आपने जो कही थी वो चीज और जगह का इंतजाम मैंने कर लिया है। तो ठीक है फिर, जो जो मैंने कहा है उसकी जल्द से जल्द तैयारी कर लो। ठीक है स्वामी। मेरी सिद्धियां अच्छे काम के लिए और लोगों की भलाई के लिए ही होंगी, आपके गलत काम करने के लिए नहीं। आपका भला होगा इसलिए मैं इस बार ये कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा मत कहना ये आखिरी बार होगा। देखा ना तुमने अपना कार्तिक कितना बदल गया है। सिद्धि को इन बुरे लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। काम हो गया है। अरे तेरा सर्वनाश होगा, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। कैसा इंसान है तू? तू इंसान नहीं राक्षस है। मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? वो बेचारी पेट से थी, तूने उसे मार दिया। तू मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी तुझे, तेरी जान ले लूंगी मैं। बता क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तेरा? बोल बोल। दीदी उसे छोड़ना नहीं, मारो उसे। नहीं है क्या? कैसा इंसान है तू? क्यों मारा उसे? बता क्यों मारा? क्यों मारा मेरी बेटी को? नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। ये ले, ये ले, और ले। मेरी इकलौती बेटी थी, उसकी भी जान ले ली इसने। उसके हाथ पैर बांधे थे ना, इस माँ की बद्दुआ तुझे लगेगी, तू कभी चैन से नहीं जिएगा। उसे मैंने अपनी कोख में पाला था, मरेगा तू। कार्तिक ने अपनी छोटी उम्र में ही अपनी की हुई गलती को महसूस किया और आइंदा डमरू वाले का भेष वो नहीं बदलेगा
ऐसा उसने फैसला किया और एक बैरागी बन गया। के लोगों, तारकासुर का वध करने के लिए डमरू वाले का वेश बनाकर आए हुए विष्णु परमात्मा, इस राक्षस का वध करके लोगों का सदा कल्याण करने के लिए इन्होंने डमरू वाले का वेष धारण किया है। अब हमारा समाज सिद्धि प्राप्त किया इस देव जैसे इंसान राजा नरसप्पा, अब हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए जो हमेशा लोगों का कल्याण सोचते हैं वो हमारी पूजा प्रारंभ करके हमारा पुण्य करेंगे। सभी कुल के लोगों को नमो नमः। हम सब की इस पवित्र सिद्धि का, जिसका इस्तेमाल भलाई के लिए होना था, इसका दुरुपयोग किया गया है, और वो कोई दूसरा नहीं बल्कि ये कार्तिक है। इसे हमें रोकना होगा। मैं विष्णु भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब की तरफ से। विष्णु भगवान के सामने ये 5 मूर्तियाँ सिर्फ मूर्ति ही नहीं है बल्कि हमारी भलाई के लिए, हम सबका कल्याण करने के लिए, हमें दुष्ट शक्तियों से बचाने के लिए पूर्वजों की आत्माएं हैं, उनके आवाहन के लिए जयकारे लगाओ। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पूरे 25 सालों के बाद आज का ये शुभ दिन आया है। पंचभूत में विलीन आत्माओं को मैं आज यहाँ बुलाता हूँ। सभी आत्माएं यहाँ आएं और हम सभी के कष्टों को दूर कर, परेशानियों का समाधान कर, अग्नि की आहुति स्वीकार करें। भगवान विष्णु परमात्मा की जय। पूर्वजों की आत्माओं के आगमन के बाद हमारे पूरे परिवार में नियम विधि विधान के आधार पर किसी भी तरह की दुष्ट शक्ति हमारे परिवार के लोगों को नुकसान न पहुँचाए, ये कृपा करना भगवान। घंटी और नगाड़ा बजाओ। बोलो विष्णु परमात्मा की जय। बस भी करो, आपके ही गांव में वहां के लोग कैसी कैसी पूजा पाठ करते हैं, उनकी वजह से हमारे घर की लड़की मर गई, हम लोग इतने परेशान हैं, और आप यहां बैठे हुए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरा खून जल रहा है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, काट के रख दूंगा मैं उन सब के सबको। चल गाड़ी निकाल। सब लोग अच्छी तरह से सुन लो, सबका सर्वनाश होने वाला है। Oh,
खुद को बहुत होशियार समझता है। लोक कल्याण के लिए पांच मूर्तियों के बदले मैं खुद ही अपनी आहुति दे दूंगा, जिससे दुष्ट शक्तियों का नाश हो सके, और मुझे ऐसा करना ही होगा। जय विष्णु परमात्मा। बस करो, हमें छोड़ दो कलिंगा, हमें माफ कर दो। मैंने एक आदमी के लिए गलती की है, उसकी सजा पूरे समुदाय को मत दो कलिंगा। मैं जानता हूँ मैंने बुरा काम किया, लेकिन जो भी किया इस नादान उम्र की वजह से किया। मुझे नहीं पता था कलिंगा कि वो आपकी बेटी थी। हमें छोड़ दो। मेरे बारे में तुम सब अच्छी तरह से जानते हो, मैं इसे छोड़ दूंगा, पर सूरज उगने से पहले तुम्हारे समुदाय के सब लोग यहाँ से निकल जाने चाहिए। अगर कोई गलती से भी इस गांव में रह गया तो सुन लो, सारे गांव में आग लगा दूंगा। हट! पिताजी, माँ, मुझे माँ कहकर बुला रहा है, लेकिन इस माँ की मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी। कितना प्यार दिया था, क्या दिया तूने बदले में? बोल अब मैं कहाँ जाऊँ, अपने पति और बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ?
मिस्टर कलिंगा, थाली में खाना रखा हुआ है और तुम पूरे गांव में पूरी रात घूम रहे हो। थाली पास में है तो बस उसे हासिल करना होता है, भटकना नहीं होता। उन डमरू वालों का राजा नरसप्पा, वो एक सिद्ध पुरुष था, लेकिन अब जो सिद्धि को पूरा कर सकता है वो व्यक्ति सिर्फ एक ही है, वो है कार्तिक। वो एक जवान लड़का है, उसे जल्दी लेकर आओ। सर पर फोड़ी हो तो सर नहीं फोड़ना चाहिए। बस कीजिए स्वामी, मैं उसके पैर पकड़ूं क्या? सम्राट बनना चाहते हो तो ये करना ही होगा। ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। आरपी लाने के लिए कोई और रास्ता है तो बताओ। हर एक इंसान अपने अपने स्वार्थ के लिए ही जीता है। प्यार, शादी, बच्चे, सब कुछ, सब अपने अपने लाभ के लिए करते हैं और उनकी अपनी औकात के हिसाब से ही भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कलिंगा ने विष्णु परमात्मा के आशीर्वाद से सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये पैसे भेजे हैं। मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाइए। तो पिताजी, मैं ये गुस्से से नहीं कह रहा हूँ। मैं काम पर जाता हूँ, मुझे पगार मिलती है, मेरे लिए ये काफी है। और उसे जो कुछ भी चाहिए वो कहीं और ढूंढ ले। पिताजी, आपको उसकी कीमत पता नहीं है तो फिर आप पैसों के पीछे क्यों पड़े हो? भगवान के लिए ये ले जाइए। ए कार्बन, ए बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है इसको। घी उजड़ी दुकान मेरे घर से कहां से निकल रही है? ए स्टॉप, सुनो, 10% कमीशन दोगे तो मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा, यही कहा है ना उसने? डोंट वरी, 1% लॉस हो तो भी कोई बात नहीं, 9% कमीशन दो, मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा। 10,000 पगार मिलेगा, सोने को बेड मिलेगा, रहने को घर मिलेगा, 3 वक्त खाना खाओ, बीड़ी सिगरेट सब मिलेगा। सिर्फ मिसेज आपको लाना होगा क्योंकि ये मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। ए ओके ना, ओके ना, ओ बुढ़े आदमी, ओके है ना? कौन हो तुम और ये क्या कह रहे हो? मैं कौन हूँ ऐसा मुझसे सवाल करना। उसने कहा होगा, पर्टिकुलरली मुझसे मत कहो, ऐसा कहा होगा, वो धोखेबाज है। कौन? कार्तिक। कौन कार्तिक है भाई? अरे वो तो कार्बन है। कार्बन भी वही है और कार्तिक भी वही है। बॉस, मैं आपका टॉवल इस्तेमाल कर सकता हूँ? अरे टॉवल ही क्या, मेरा शर्ट पैंट, अरे एक ही अंडरवियर पहनता हूँ, वो चाहिए तो वो भी ले लो। अरे वो सब नहीं चाहिए, सिर्फ ये टॉवल चाहिए। अरे शर्ट भी तो आयरन करना है, बहुत देर हो रही है। ए बॉस, अरे तुम क्यों आयरन करते हो? तुम जाकर नहाओ बॉस, मैं खुद जाकर आयरन करवा के लाता हूँ। मर गया। मैंने किसे अपने कमरे में रखा? कमरे में रखने के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं। नीलवेणी, पूनम, फूलन देवी। ये लीजिए बॉस, ये लीजिए। अरे बॉस, बाइक मैं चलाता हूँ, आप आराम से बैठिए बॉस। आराम लग रहा है ना बॉस? आप आराम से बैठो बॉस। हाँ हाँ, बॉस पान खाएंगे? मैं तो खाता हूँ, लेकिन आप पसंद नहीं करते हो बॉस। अरे आप खा लो ना बॉस, मेरी पसंद कोई पसंद थोड़ी है। बस आप खाओ। क्यों बॉस, सुबह से आप मेरे साथ ऐसे खेल रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बॉस। वो कुछ नहीं है, वो क्या है ना बॉस कि अब ये सब कहाँ किया, कहाँ से सीखा, ये सब क्यूरियोसिटी है बॉस। ओ, वो मेरे पिताजी आए थे तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। हाँ। अच्छा सुनिए बॉस, बोलिए ना। मार्केट में जब सेब की कीमत ज्यादा हो जाती है ना, हाँ, तो वो जो नींबू होते हैं ना, उससे भी लोग डरने लगते हैं। करेक्ट बॉस। आपने कभी भूत देखा है क्या? बॉस रात को मैं बहुत गहरी नींद में रहता हूँ बॉस, सच कह रहा हूँ, आज तक नहीं देखा। चलिए मैं दिखाता हूँ। दिखाओ बॉस, चलिए बॉस। देखो इधर ही है। मजाक कर रहा हूँ बॉस, उसे शक्ति कहते हैं, विष्णु की ही सृष्टि है, वो जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। और एक बात बॉस, सबके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। सही है, आप पहले जैसे थे बस वैसे ही रहिए। अच्छा, आप खाना देने वाले मेरे भगवान हो, मैं आपका जो भी करूंगा अच्छा ही करूंगा। अरे गले लगी है ना बॉस। लड़की तो खुद चल के आ रही है, आज मिस मत करना, बोल दो से
हाय। हेलो, हाउ आर यू? नमस्ते। हाय, तुम लोगों को आए बहुत देर हो गई क्या? बस 2.5 घंटे ही हुए हैं हमें। सॉरी, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। और कोई रास्ता भी नहीं है, हमारे पास पैसे हैं ही नहीं। बचपन से ही मुझे ग्रीन पेन से साइन करने की बहुत इच्छा थी। कोई बात नहीं, ये रहा पेन, ग्रीन भी है, लो साइन कर लो। You're so funny. Yeah, boss. Nice flowers. तुम्हें पता है KS एग्जाम में 27th रैंक से पास होकर मुझे ऑफिसर की पोस्ट के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। नहीं वो। Okay, let me open this. Oh my God, what? Actually, मेरे पास होने की खुशी में जो लोग मेरे क्लोज हैं मैं उन्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ, और इस शहर में मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानती, इसलिए अपने पास होने की खुशी में मैं भी आपको एक वॉच देना चाहती हूँ। लगता है कुछ तो गड़बड़ है, दोबारा मिलेगी तो बता दूंगा। अरे, तुम्हारा 2000 रुपए लेकर मेरा पैसा लूटा था इसने, अब तू इसे वॉच दे रही है? अब ये आके क्या क्या करेगा पता नहीं। मंदिर के ऊपर से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। एक्सक्यूज मी सर, चोला राजेंद्र के बनाए हुए टेंपल पर आपने नजर रखने के लिए कहा था ना सर, उस टेंपल से कूदकर एक आदमी ने जान ले दी। अब हम आपको दिखाने वाले हैं 300 साल पहले बनाया गया ये भव्य मंदिर। चामराज नगर से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर चोला राजेंद्र ने बनाया था, जो वैष्णव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में कोई अकेले नहीं जा सकता, लेकिन कल एक लड़का अंदर घुस गया, मंदिर के ऊपर चढ़ गया और ये वही मंदिर है जहां हमारे आरपी का राज छुपा हुआ है। अरे ये पागल है जो गलती से मंदिर के ऊपर जाकर जल्दबाजी में नीचे गिरकर मर गया। वहां पे रेडिएशन है, वहां अगर कोई सीधा जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। मजीद को उसने पैसे दिए थे। ये तो मोहित नायर है, तुम्हारी बेटी को कार्तिक के पास ले जाकर उसके हाथ पर काटने वाला यही है कलिंगा भाई। कलिंगा, ये मैटर लीक हो गया है, इसलिए वो नायर तुम्हारे लड़कों को ले जाकर उस आरपी को उठाने की कोशिश कर रहा है। कम ऑन, किल हिम फास्ट, कैसे भी करके कार्तिक को ले आओ, वरना याद रखना हाथ में आया हुआ खाना भी नहीं खा पाओगे। चलो गाड़ी निकालो। चंद्र ग्रह, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सबको एक जगह पर रख दिया है भगवान ने, है? Hey, अरे वॉच में तो टाइम तुमने गलत रखा है। गलत सोचकर वो एकदम सही करेगी, वो मजा ही कुछ अलग होता है। आप कुछ भी समझो गौड़ा जी, उसकी तो नजर ही काफी है, पैसों की जरूरत ही नहीं, वहीं पर मर जाऊंगा। हाँ मर जाओ। आओ, आओ, लड़की सच में एक माया है। हाँ टाटा, चुप नहीं रह सकते क्या? तूने मेरा बाल मसल मसल कर चमड़ा छील दिया। अरे खून भी निकल गया। मेरा बाल नोचने से अच्छा है अगर तुम उसके बाल नोचोगे तो वो हवा बनकर, बारिश बनकर, पहाड़ के दो पंछी बनकर तुम दोनों आसमान में घूमते रहोगे। ऐसा होगा क्या? नहीं, तू किसी को 10 रुपए देकर पूछोगे तो बताएगा। हाँ, ये लो 10 रुपए। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तू एक काम करना, लड़की के सामने जाकर स्माइल करना। वो मैं करता हूँ, क्या करना है बोलो बॉस। तो सुन, तो इस तरह उसके सामने खड़ा हो जा, जाकर बोल, मिस एम, मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे, मुझे तुमसे वो हो गया है। वो का मतलब समझ रही हो? सो हम दोनों वो करें तो कैसा रहेगा? तुम ऐसे बात करना, फिर वो झट से तुम्हें शर्मा कर बड़े प्यार से कहेगी, आपने सही कहा, एक जेरोक्स मशीन में, एक पेपर जेरोक्स करने में जितने कार्बन की जरूरत होती है, वैसे ही आपको मेरी मेरी जिंदगी में आपकी जरूरत है। ऐसे कहेगी वो। तुम दोनों हाई स्पीड में बात करना, वहाँ एक लॉक है, उसके बाद मेरे भाई टर्न है, फिर फॉरेन में ड्यूट सॉन्ग है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद शादी, शादी के बाद बच्चे। चल 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 चल, लड़की को फोन लगा 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 लगा। अरे ऐसा नहीं होता गौड़ा जी, अगर उसने मुझे रिजेक्ट किया तो। अरे बॉस, तू पागल हो गया क्या? एप्लीकेशन डालने से पहले रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कहेगा तो कैसे चलेगा? पहले ट्राई तो कर, बी पॉजिटिव। अरे जाने दो गौड़ा जी, वो मेरी फ्रेंड है ना, बस वही अच्छा है। अगर आपकी बात मानकर मैं चलूंगा ना तो हमारी फ्रेंडशिप भी बिगड़ जाएगी। किस पागल से बात कर रहा है? ए, जैसा मैंने कहा, अगर तूने नहीं किया ना, कहां गया? ये रहा। अरे नहीं नहीं गौड़ा जी, नहीं नहीं, चुप रहो, चुप रहो, एक मिनट।
मैं तुम्हारे लव को सक्सेस करवाऊंगा। I love you. Yes, toing. अरे बाप रे बाप रे बाप रे। अरे क्या किया गौड़ा जी, इधर दीजिए। क्या हो गया? सॉरी 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 सॉरी, बाय मिस्टेक से हो गया ये। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुमको। उसका ही फोन है, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम्हें बाद में देखता हूँ। हेलो, सॉरी सॉरी, वो बाय मिस्टेक हो गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम कल मिलेंगे। एक्चुअली मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, ठीक है ना? हाँ, गुड गुड। कहाँ आना है बताइए। एक काम करते हैं, मैं कल सारा काम खत्म करके तुम्हारे घर आ जाती हूँ, ठीक है ना? गुड नाइट, बाय। गुड नाइट गौड़ा जी, आई लव यू। अगर राइस कूलर लाना है तो ये काम किसी साधारण इंसान से नहीं होगा। उसके लिए एक सिद्ध पुरुष चाहिए। हजार करोड़ की लालच में तुम उसे बेच नहीं देना, उसे अपने पास घर में ही रखना, तभी तुम इस दुनिया का राजा बन सकते हो। अरे बॉस, तुम ये मैं किसके घर आ गया हूँ? मैं अपने ही घर आया हूँ ना, मेरी उम्र हो गई है लगता है, अभी ध्यान से देखना पड़ेगा इसे। हाँ, गौड़ा जी। ओ मंजा गौड़ा जी, अरे क्यों बाहर जा रहे हो यार? अरे ये किसका घर है? पूरे घर में बलून ही बलून लगे हुए हैं। ये संक्रांति में जिस तरह से घर सजाते हैं ना, तूने वैसे ही सजाया है। तैयार हो जा, तैयार हो जा, कल तू शादी करेगा और अपना परिवार चलाएगा। इसी खुशी में दो बोतल और लेके आता हूँ। चलो सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट। गौड़ा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। गौड़ा जी, इस बात से? वो तो आईपीएल के ब्लैक टिकट जैसी है गौड़ा जी, और हम बीपीएल के कार्ड को लेकर राशन की दुकान में क्यू जैसे खड़े हैं। सुनो, उसे तुम आईपीएल में जाने दो या केएसआर में भी जाने दो। पुराण में कहा गया, एक कथा सुनाता हूँ। अष्टावक्र नाम का एक लंगड़ा आदमी, इस तरह हाथ उसका पूरा बेंड था। वो हाथ में लाठी लेकर गाना गाते हुए अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहा था। उसका गाना सुनकर राजा की रानी को उससे प्यार होकर और भी बहुत कुछ हो गया। लड़कों को लड़कियां क्या देखकर पसंद करती है, ये बात हम नहीं बता सकते हैं मेरे भाई। ये जो लव है ना, पुराने जमाने का लव और आज के जमाने के लव में जरा भी फर्क नहीं है। सभी जमाने में सबको एक बार सच्चा प्यार होता है, ठीक है? अब वो आ रही है, तुम रेडी होकर एंजॉय करना। मैं पसंद का आइटम लेकर आता हूं। हाय, हाय, वेलकम। नाइस प्लेस, बहुत कलरफुल लग रही है। थैंक यू। देखिए, ये है हमारा रूम, हमारी लाइफ और हमारा घर। बैठिए ना, फर्स्ट टाइम घर पे आई हो, स्वीट ले लीजिए। थैंक यू। क्या बात है, जब भी देखती हूँ तुम्हारी वॉच बंद ही रहती है। वो लाओ, मैं टाइम एडजस्ट कर देती हूँ। अब ठीक है। थैंक यू। इट्स बीन इयर्स इन बैंगलोर, लेकिन इतने सालों में मैं कभी किसी से इतना क्लोज नहीं हुई। We have had such memorable moments. Thank you so much for all the memories. And you know what? अब आपकी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का उनके घर पर जाकर हाल चाल पूछना, उनके साथ कुछ वक्त बिताना, ट्रेडिशंस, कल्चर्स, ये फॉलो करना चाहिए, ऐसा माँ कहती थी। तुम मुझे अच्छे लगे, इसीलिए ये सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर कर लिया। अब वन सेकेंड, हाँ मैं भी आती हूँ। नेक्स्ट वीक मेरी शादी है, उसका इनविटेशन। तुम मेरी शादी में जरूर आना। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर प्रेजेंस। ओह,
सुपर गुड गुड न्यूज आईएएस हाँ अच्छा वो आईएएस और आप केएस सुपर सुपर मैचिंग कांग्रेट्स थैंक यू सो मच तो फिर इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी नाउ यू शुड कम और शादी का सारा काम तुम्हें ही करना होगा बिकॉज़ आई डोंट हैव मच रिलेटिव्स यू सी एंड मोर ओवर यू आर माय बेस्ट फ्रेंड यस ओके ओके बाय द वे तुम कुछ कहना चाहते थे ना वो क्या है नेक्स्ट टाइम मिलोगी तो बता दूंगा ठीक है आई एम लीविंग बाय कार्बन एक आखिरी बार सिर्फ एक बार मुझे मुत्तमा कहोगे क्या अरे आप भी ना और किसी वक्त मैं कह दूंगा ओके मैं चलती हूँ अंगूर की बेटी आ गई ये लो अंगूर की बेटी है वाह वाह ए इतना सीरियस क्यों हो मेरे भाई अरे हनीमून कहीं यहीं तो तूने नहीं मना लिया बदमाश कहीं क्या इतना डल क्यों लग रहा है क्या हुआ दे इधर दे ये क्या है ए तुम्हारे लव के बारे में बताने को बोला था और तू उसका इनविटेशन लेके खड़ा है यहाँ पे तूने इतना डेकोरेशन किया उसका इंतजार किया इसलिए कि वो तुझे इनविटेशन दे ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता है अरे अरे रुक ए ए अरे नहीं रुको ए घोड़ा अष्टवक्र ने प्यार किया था वो पुराण में लेकिन वो यहाँ पर वर्क नहीं होगा उसने गाना गाया उससे उसे प्यार हो गया और हम लोग यहाँ पर कुछ भी करे तो इसलिए तो मैं कहता हूँ वो सब पुराणों में ही होता है मेरी लव स्टोरी में मैं गूंगा और वो अंधी है मैं उसे बता नहीं सकता और वो देख नहीं सकती जाने दो गौड़ा जी मैं उसके लिए दुखी नहीं हूँ दाढ़ी भी नहीं बढ़ाऊंगा अरे छोड़ो ना ज्यादा पीऊंगा भी नहीं गौड़ा जी गौड़ा जी हम दोनों शादी में जाएंगे विश करेंगे और फिर बढ़िया जी कड़क रोटी खाएंगे बेचारी अरे मैंने प्यार किया है तो क्या वो मुझसे शादी करे ऐसा कोई कानून में लिखा है क्या वो जहां भी रहे बस खुश रहे जाने दो गौड़ा जी उसे दूर से देखकर ही खुश दीजिए गौड़ा जी लाइए मैं पी कर खुश हो जाता हूँ क्या हुआ कलिंगा भाई आप इस तरह टेंशन में क्यों आखिर बात क्या है आरपी के जगह के बारे में मालूम होने के बाद भी मैं उसे अपने पास ला नहीं पा रहा हूँ सुना है कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट ईमानदार तहसीलदार आई है जो ओपन टेंडर करने वाली है लगता है कि इस बार सारे टेंडर मेरे हाथ से निकल जाने वाले हैं डायरी भी बंद हो गई है क्या करूं समझ में नहीं आ रहा मेरी टेंशन इसी वजह से है कैसी भी करके आप ही उसे समझाओ आरपी मेरे घर में होना चाहिए तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी बहुत मुश्किल है मैं उसे बचपन से जानता हूँ मेरा विश्वास करो वो जल्दी नहीं पटेगा लेकिन मैं उसके सामने उसकी मां को लेकर जाऊंगा तो वह मान जाएगा एक मिनट रुकना अरे आप समझ क्यों नहीं रहे वो आपसे बहुत नाराज है पत्नी के ना रहने पर उसका पति और पैसा ना रहने वाला इंसान मुर्दा के समान है जिनका इलाज ये पैसा है बेटा
मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। हाँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन फिर भी मेरी दो बात मान लो बेटा। आप कुछ भी मत कहिए। इस दुनिया में अपनी पत्नी का इलाज ना कर पाने वाले इंसान हो आप, समझे? मुझे तो शर्म आ रही है, आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, चले जाइए। अगर आप मुझसे प्यार करते तो ऐसा करते। नहीं, आप बिल्कुल नहीं करते। मेरे असली माता पिता होते तो मेरा ऐसा हाल नहीं होता। तुम्हारी माँ की बीमारी ठीक करने के लिए यहाँ कोई नहीं पूछता, लेकिन मैंने पूछा। माना कि मैं पापी हूँ। हाँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है बेटा, लेकिन कलिंगा के सामने सीना तान कर खड़ा रहने वाला हमारे समाज का सिद्धि पुरुष हो तुम बेटा। दुनिया की सुख शांति के लिए पंचभूतों को शांत करने वाला अवतार पुरुष हो तुम। मैं हर कदम तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुमने ये काम किया तो इस काम से लोगों का भला होगा बेटा, और मैंने जो पाप किए हैं उसका पश्चाताप भी हो जाएगा। क्या तुम नहीं चाहते ऐसा हो? सोच लो बेटा, तुम्हें क्या करना है। ओह, कार को सजा करके दुल्हा दुल्हन को हनीमून भेजने के लिए तू प्रिपरेशन कर रहा है? अरे जाओ भाई, अपना काम देखो। लानत है तुझ पे। अरे कार्बन, जरा यहाँ ना। क्या है आंटी? हाँ, वो जो शंकर है ना, वो कोई जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता, इसीलिए तुम मंगलसूत्र अपने पास रखो, जब पुजारी मांगेंगे तब दे देना। हाँ ठीक है आंटी। वैसे डेकोरेशन बहुत ही अच्छा किया है। सब कुछ करेगा ये लड़का आंटी। फर्स्ट नाइट में दूध देना, बेड भी तैयार करना और बच्चों के लिए झूला बनाना, ये सब करेगा। सही कहा ना? करेगा ही ना, हमारा लड़का इतना होशियार जो है। अगर मेरी एक और बेटी होती ना तो मैं इसी से उसकी शादी करवाती। कोई बात नहीं आंटी, अभी भी ट्राई कीजिए। लीजिए लीजिए फ्रेंड्स, लीजिए आराम से। ये क्या कार्बन सारा काम तो मत करेगा। अरे एंजॉय कीजिए फ्रेंड, मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा, इसलिए सब कर रहा हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ, तुम्हारी अपनी है, काम छोड़ना नहीं। अरे छोड़ो यार। कार्बन ही ना? हाँ सर। तुम्हारा नाम मैंने काफी सुना है, आप कौन है? आई एम बेड किंग, मतलब मंजाक गौड़ा, जिसका मतलब खाट होता है यू नो। ये हमेशा मजाक ही करता रहता है। कोई बात नहीं, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। इट्स ओके, अगर कुछ चाहो तो मुझे बताना। क्यों, क्या हुआ? अरे सुनो ए कार्बन। मैडम कोल्ड ड्रिंक्स। ए रुक जा तू, इस दुनिया में सिर्फ तू ही एक ऐसा होगा जिस लड़की से जो प्यार करता है उसी की शादी में आकर लोगों को कॉफी दे रहा है, लोगों को जूस दे रहा है। लाना था तुझ पे। थू लोड़ा जी, अगर वो हमें नहीं मिली तो हमें अपना सर नहीं फोड़ना चाहिए, चाहे जितनी भी कोशिश करो वो नहीं मिलेगी। जाइए आप भी काम कीजिए। अरे ये अभी इतना चाट रहा है तो जिंदगी भर कितना चाटेगा। मैं पायसम की बात कर रहा था, आपने क्या सोचा? ए, खाना खाइए। ए, जरा इधर आओ तुम, चलो इनको दो तुम। अरे पायसम दो और दो, दो दो दो। अरे तुम भी बैठकर खा लो, लास्ट पंगत लगा है। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम खा लो, हम बाद में चलेंगे। मैंने तुझे बार 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 बोला, अगर प्यार की सवारी करना है तो पहले उसे बताना चाहिए था। अरे बार बार बोलने पे भी तूने बताया नहीं, तूने मेरी बात को नहीं माना। अरे कूद कर मर जा तू। अबे मुंह बंद कर कमीने। बहुत ठंड लग रही है। अरे बाप रे, ए कार्तिक, अरे उठो काम पर जाना है। अरे उठना, काम पे नहीं जाना है क्या? मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम जाओ। ए, तू इस तरह रोज पीता रहेगा और काम पर नहीं जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा तू। खैर जो करना करो, भाड़ में जाओ। शादी को एक साल हो गया,
इसकी हालत तो देखो। ए, कार्तिक, ए, चलो उठना। क्यों रे, तू पी पी कर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? हा? वो तेरे पास नहीं है, जाने देना, यही किस्मत है, चल। लप्पा, पहले तू कैसा था, अब इस वक्त कैसा है? पहले मैं कैसा था और अभी मैं कैसा हूं सोचो। अरे मैं तो तुझे कुछ और ही समझ रहा था। अरे आफ्टर ऑल तुम किसी भी तरह से अपने बेटे को समझा बुझाकर मेरे सामने ला नहीं पाए। कलिंगा भाई, वो मैं सब कुछ अच्छी तरह से जानता हूं। अभी तुम सफाई देना शुरू करोगे, तरह तरह के वजह बताओगे। अरे मेरे टेंडर हाथ से निकल रहे हैं, मेरा सारा काम रुकने वाला है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी फैक्ट्री बंद हो गई है। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे वो चाहिए तो चाहिए। ये यहां कैसे आ गया? आजा कार्तिक। अरे तुझे देखे बहुत साल हो गए, आजा, क्या चाहिए तुझे बोल। हा? जो मांगेगा वो मिलेगा। प्यार से जो मेरी दुनिया अच्छी खासी चल रही थी उसे तुम वापस कर सकते हो क्या, बताओ? मेरे सारे समुदाय के लोगों को तुमने मार दिया, तो उनकी जान तुम वापस कर सकते हो क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। इस वक्त जो तू मुझसे मांग रहा है वो मैं तुझे नहीं दे सकता, मानता हूँ मैं, लेकिन मैं कोई और उपाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर ये करो, जिन जिन को जलाया है उन सब के घर पर 50-50 लाख रुपए और यहाँ से जा चुके सारे परिवारों के बैंक के खाते में 10-10 लाख रुपए ट्रांसफर करो और मेरे गांव को पहले जैसा ही बना के दिखा दो। पिताजी, कम से कम आप तो दिमाग वाले हो और आप खुद ही भिक्षा मांग रहे हो, लेकिन वो लोग तो बेरोजगार है, पता नहीं वो लोग क्या करते होंगे। आप बेदवोरा मोंगा, उसे देखने के बाद तो मन में बहुत दुख होता है। मेरी जिंदगी तो नरक हो गई है पिताजी, लेकिन सारे गांव को खुशी देने के लिए मैं ये भेस बदलने के लिए तैयार हूँ। एक गर्भवती औरत चाहिए, तैयार रखना।
सुना है कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट ईमानदार तहसीलदार आई है जो ओपन टेंडर करने वाली है। बंद करो ये सब। तेरी इतनी हिम्मत मैं तुझे जान से मार दूंगा। ले जाओ इसे यहां से। एक गर्भवती औरत चाहिए, तैयार रखना। मुझे मुत्तमा कहकर बुलाओगे क्या? जब दोबारा मिलूंगा तो मैं बोल दूंगा मुत्तमा। मुत्तमा क्या हुआ उसे? उस लड़की को ये अच्छी तरह जानता था इसीलिए रो रहा है। पहले उसे काम खत्म करने के लिए बोलो। मुत्तमा जो भी हुआ उसे भूल कर तुम अपना काम करो बेटा। Oh!